दिस विल बी लेक्चर नंबर 13 फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग लास्ट क्लास में एनर्जी मीटर कर रहे थे। एनर्जी मीटर का मैं आपको उसका रिव्यू दे देता हूँ। ऐसे प्रेशर कॉइल का जो यहाँ प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली लैगिंग। प्रेशर कॉइल इज हाईली लैगिंग, करंट कॉइल इम्पिटेंस इज वेरी लो। जब यहाँ से आप लोड कनेक्ट करेंगे, करंट इज कंट्रोल्ड बाय लोड ओनली। करंट जो है वो लोड से ही कंट्रोल होगी, ठीक। उसके वर्किंग में देखा था हमने, यहाँ से प्रेशर कॉइल का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है 5P, जो कट करता है डिस्क को, जिसमें EMF इंड्यूस होता है EV और करंट IV, दैट इज एडी करंट। सिमिलरली करंट कॉइल से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है 5C, डिस्क को कट करता है, उसमें EMF इंड्यूस होता है EI और करंट II, दैट इज एडी करंट। ये II 5P से इंटरेक्ट करता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली IV 5C से इंटरेक्ट करता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक। दो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। वेक्टर डायग्राम जो बनाया था हमने, रेफरेंस इज वोल्टेज फेजर V। लोड के अकॉर्डिंग करंट, जो लोड करंट है I, एंगल माइनस 5 पे है, ठीक। सिमिलरली आइडियली जो प्रेशर कॉइल करंट है वो 90 डिग्री लैग करनी चाहिए, आइडियल। दिस शुड बी IP, आइडियल केस। लेकिन आइडियल होता नहीं है कुछ भी, थोड़ा कम लैग करता है 90 डिग्री से। दिस इज IP, कितना लैग किया, डेल्टा एंगल, कैपिटल डेल्टा। IP के फेज में 5P, I के फेज में 5C, 5C से 90 डिग्री पर EI और इससे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क अल्फा मान लेते हैं, दिस इज II। सिमिलरली 5P से 90 डिग्री पर IC एंड उससे बेस्ट डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क अल्फा एंगल पर IC। या तो क्लियर हो गया। अब ये जो लाइनें हैं 90 डिग्री कहाँ कहाँ पे है ये दिखा देते हैं। दीज टू लाइन्स आर एट 90 डिग्री एंड दीज टू लाइन्स आर एट फाई और ई के बीच एंगल 90 होगा। एक मिनट, ये फाई सी नहीं है, ये ये IV है और ये EV है। Now, सर जी, सर प्रेशर कॉइल का इंडक्टिव होने का रीजन क्या बताया था सर? हाईली इंडक्टिव होने का और हाईली हाई इंपेडेंस होने का कोई रीजन नहीं, ऐसा नहीं है सर। बाय डिफॉल्ट हाईली इंडक्टिव होता है, इसलिए जो टॉर्क है वो पावर के प्रोपोर्शनल आ पाता है। अगर आप हाईली इंडक्टिव नहीं रखेंगे तो जो टॉर्क है वो पावर के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट डिजाइन ही ऐसा किया है ना? हाँ, डिजाइन में ही है। अच्छा, ओके। प्री कैलकुलेशन में देखते हैं हम लोग। नाउ 5P इंटरैक्ट्स
with II and produces torque. Tau 1 will be equal to VI cos 90 plus alpha minus delta minus phi. ये मिला था क्वेश्चन नंबर वन, आप चेक कर लीजिए, मैं टॉर्क इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं. एंड देन फाइव सी इंटरैक्ट्स विथ आई वी एंड प्रोड्यूसेस अनदर टॉर्क दैट इज tau 2. कितना होगा ये, which is equal to VI cos 90 plus alpha. यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डेल्टा माइनस फाइव. ये मिला था आपको क्वेश्चन नंबर टू. सर सर ये फर्स्ट पेज है क्या जी? सर ये जो बी है ना, वोल्टेज है ना यहाँ पे, हाँ सप्लाई वोल्टेज सप्लाई है ना, हाँ जो आई है वो लोड करंट है. ओ फिर एंगल, लेकिन एंगल लेकिन सर इस ये ले रहे ना ये. देखिए यहाँ तक की जो एक जो इक्वेशंस है ना, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं. मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो आपको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है उसको. एंगल पहले कर चुके तो सर पता चला, लेकिन थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो रहे क्यों लिए करके. ये लास्ट क्लास क्लियर है आपको? हाँ सर. नहीं ये एंगल तो कैसे लिए, वो तो वेक्टर डायग्राम का पता है सर. हाँ फिर क्या प्रॉब्लम है सर? ये लास्ट टाइम का ये 90 प्लस अल्फा प्लस ये इसका मतलब डेल्टा माइनस आई, ये वाला कौन से इक्वेशन टू का एंगल कैसे लिए, इसको सर समझ में नहीं आया. मेरा सर वाला प्रॉब्लम ये है कि क्यों लिया है, वो है ना क्यों लिया है. अच्छा पांच मिनट रुकिए, मुझे जरा रिजल्ट डिराइव करने दीजिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा. मैं फिर रिपीट कर दूंगा अगर क्लियर नहीं होता है तो. ठीक नाउ, अब यहाँ पे दो टॉर्क हैं, इसलिए यहाँ पे किसी कंट्रोल टॉर्क की जरूरत नहीं है. ये दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और लोड जीरो होने पर दोनों टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई जीरो हो जाता. ठीक नाउ बोथ डी टॉर्क act in opposite direction and hence no control torque is required. Finite control torque required nahi hai. Therefore total deflecting torque, total deflecting torque क्या मिलेगा आपको? Tau is equal to tau 1 minus tau 2, it is equal to. अच्छा ये equal to नहीं है, proportional है, proportion रहने दीजिए. टावन कितना है? V इंटू आई कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस फाइव. टाउ टू क्या है? V इंटू आई कॉस
90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस 5 इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉमन ले ले, बचा क्या कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस 5 माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस 5 व्हाट इज कॉस ए माइनस कॉस बी, जल्दी से बताइए. 2 साइन ए साइन बी. तिंकारा पूरा बताइए, आपने आधा बोला. सर सर इसको डायरेक्ट ये नहीं कर सकेगा क्या, वो टू साइन ए साइन बी से नहीं कर सकेगा क्या, इसका जो जो डेरिवेशन जो आ रहा है वो तो वही फॉर्म में आ रहा है लग रहा है. देखिए ना तो मुझे टू दिखाई दे रहा है ना साइन दिखाई दे रहा है. नहीं इसको सर अगर टू साइन ए साइन बी को अगर ये करेगा तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ऐसे नहीं आते सर, ऐसे तो आ रहा है नहीं. तो डिराइव करने का तरीका ही वही है, आप क्लास 10th में वापस चले गए, ये फॉर्मूला नहीं आता है तो दूसरे तरीके से निकाल लेंगे. टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है उसी से कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है. हाँ सर वो तो डेरिवेशन क्लास 10th में है. नहीं सर ये जो आप जो ऊपर में लिखा है ना वो तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला में आ रहा है ना, टू साइन ए साइन बी उसमें आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? नहीं जो अभी जो आप लास्ट उसमें लिखा है ना जो लास्ट. हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए माइनस कॉस बी सर हम कंफ्यूज हो गए सर. कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. नहीं चेक करिए गूगल पे जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप तो बार-बार कंफ्यूज हो रहे हैं. तो आपके पास मोबाइल है ना सर? ये कॉस ए माइनस बी ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए माइनस कॉस बी पूछा है मैंने, कॉस ए माइनस बी नहीं. आप लोग जो मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं वो ये है कॉस ए माइनस बी. मैं कॉस ए माइनस कॉस बी पूछ रहा हूँ यहाँ पे. टू साइन ए प्लस बी ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू. अरे यहाँ पे अगर ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ता है, नहीं लगाया है मतलब बी माइनस. अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करिए. देयरफॉर टोटल टॉर्क सर जो आप फॉर्मूला लिखा है वो साइन बी बी माइनस ए ना सर? जी बी माइनस ए. अच्छा ठीक है. ए माइनस बी लिखेंगे तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया वी इनटू आई इनटू टू साइन दिस प्लस दिस. अच्छा डेल्टा माइनस फाइव कैंसिल. Yes or no? Yes, sir. 2 sine. 90 plus alpha, 90 plus alpha by 2. 90 plus alpha. Into sine b minus a by 2. Hmm.
डेल्टा माइनस फाइव दो बार होगा अपॉन टू इट विल बी डेल्टा माइनस ये मिलेगा आपको. अगेन मैं गलती कर रहा था यहाँ पे प्रोपोर्शनल है. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू टू वी आई. व्हाट इज साइन 90 प्लस अल्फा. बोलिए कोस अल्फा सर. कोस अल्फा इनटू साइन डेल्टा माइनस फाइव. अगेन सिंस टू क्या है कॉन्स्टेंट. कॉस अल्फा डिस्क की प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट. आप लिख सकते हैं क्या टॉप प्रोपोर्शनल टू वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव. नाउ डेल्टा का वैल्यू क्या होता है. क्या प्रॉपर्टी थी आपके जो प्रेशर कॉइल की. इंडक्टिव हाईली लैगिंग. डेल्टा की वैल्यू लग डेल्टा की वैल्यू लगभग 90 डिग्री. अगर डेल्टा का वैल्यू लगभग 90 डिग्री है तो साइन डेल्टा माइनस फाइव क्या होगा. बस फाइव जी सर. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाइव. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू पी. अब ये क्लियर हुआ कि इसको हाईली लैगिंग क्यों लिया गया है. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पावर. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू पावर आपको वाटमीटर में भी मिला था. ठीक दिस इज रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. सिचुएशन क्लियर है आपको. पहले तो माइक ऑन करने की कोशिश करिए. आप क्वेश्चन पूछने के बाद सर वही बोल रहा था हमें हम लोग बी आई प्रोपोर्शनल में लेते हैं तो ना सर. एक्चुअल में ये जो ये टॉर्क जो जैसे कि टी वन इसलिए डेवलप होता है क्योंकि पाइप पाइपी और आई 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 जो इंटरेक्ट करते हैं ना सर. क्योंकि हम लोग सर बी आई ले रहे हैं सर उसमें ऐसे करके कंफ्यूज हो गया. पाइपी प्रोपोर्शनल टू पी वी है. पाइपी कहाँ से प्रोड्यूस होगा. प्रेशर कॉइल से. हाँ हाँ प्रेशर कॉइल का इंपेडेंस कॉन्स्टेंट. जी सर है ना. तो करंट या फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा ना. हाँ तो अगर प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहे हैं तो जहाँ पे 5P है वहाँ पे भी लिख सकते हैं आप. जी सर इक्वल नहीं लगाया ना प्रोपोर्शनल लगाया है. हाँ हाँ ठीक है सर. सिमिलरली II जो है 5C पे डिपेंड करेगा. 5C लोड करंट पे तो II की जगह हमने लोड करंट I लिख दिया. अभी समझ गया. अभी देखिए आप लोग स्टडी जो कर रहे हैं ना ये जैसे बिजली बन चुकी है घरों में सप्लाई दी जा रही है तो मंथली चार्ज कैसे करें ये एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि जितने एनर्जी आप दे रहे हैं उसको मेजर कर लीजिए
मेजर करके जो है उतना पर यूनिट आप जो है कॉस्ट चार्ज करिए। ठीक, ये हिस्ट्री है। ठीक, तो लोग फिर चले क्योंकि एनर्जी मीटर या एनर्जी कैसे मेजर करेंगे। ठीक, एनर्जी कैसे मेजर करेंगे उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की। तो सबसे कॉमनली एक्सेप्ट हुआ कि इस तरह से एनर्जी मीटर बनाया जाए। हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है तो वो टॉर्क या एनर्जी मेजर कर सकता है। ठीक, अभी क्वेश्चन एक बात और आ रहा है, जैसे डिफ्लेक्टिंग जब आप वाट मीटर यूज कर रहे थे, जब आप वाट मीटर यूज कर रहे थे, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, तो भी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यही मिला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू पी मिला था ना। तो फिर इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है। कंट्रोलिंग टॉर्क हटाना था। हाँ, वहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता क्योंकि मूवमेंट कॉइल का है। ठीक, आप उसको कंट्रोलिंग टॉर्क से प्रोड्यूस कर सकते। देखिए, अभी ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला। अगर आप कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं स्प्रिंग से, देखिए ये एनर्जी मीटर का टॉपिक नहीं है। लेकिन उसमें कम सिलेबस मेंशन नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बता देता हूँ। इट इज नॉट इन एनर्जी मीटर, या आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला, ये सुनो, अगर इफ कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, तो टाउ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल टू के थीटा होगा कि नहीं। एट बैलेंस k theta is equal to, या tau c is equal to tau d, ये बोलते हैं ना बैलेंस कंडीशन। यानी k theta equal to p, या proportionality constant है तो कहीं भी लगा लीजिए, theta is equal to 1 upon k into p, डैश कर लीजिए इसको। ठीक, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल टू पी, जितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं आप उसके प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन होगा। ये क्या मिला है आपको, लीनियर स्केल जी, लीनियर स्केल है सर, लीनियर स्केल किसकी, पावर, पावर की। This is nothing but induction type watt meter. आपने जो पहले पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप वाट मीटर, इंडक्शन टाइप वाट मीटर भी होता है। ऐसा एनर्जी मीटर जो हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे इंडक्शन से ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। अगर इसके अगेंस्ट में कंट्रोल टॉर्क स्प्रिंग से प्रोवाइड कर दें तो जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक, और ये क्या होगा, इट विल बी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप नहीं है ये, इंडिकेटिंग। सर कौन सा पेज चल रहा है जी,
कितना पेज हो गया सर? देख लीजिए, सर वो रिजल्टेंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो ही ड्राइविंग टॉर्क है तो ना, कौन सा टॉर्क है वो? ड्राइविंग टॉर्क, हाँ इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं क्या सर? आप बोल रहे थे इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं बोलते। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, मैंने दोनों के बारे में बताया था। अब ये अगर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि इनपुट हटाते ही वापस आ जाता है। एनर्जी मीटर में रिटर्न पाथ नहीं होता है, एक बार रोटेशन हो गया तो वो रोटेशन वापस नहीं आएगा, कंटिन्यूअस आगे ही बढ़ना है उसको, तो उसको ड्राइविंग टॉर्क बोलने लगते हैं। सर उसमें इलेक्ट्रो डायनामोमीटर में भी तो सर उसमें तो पावर जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो पावर को प्रोपोर्शनलिटी लिनियरिटी वो स्केल तो शो करेगा, तो डिफरेंस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इंडक्शन और उसमें। अब दोनों सर्किट डायग्राम देखिए, कौन सा डायग्राम इजी लग रहा है आपको, ये वाला डायग्राम कि वो वाला डायग्राम? वो वाला इजी है सर, तो वही डिफरेंस है, वो इजी है, इसलिए इंडक्शन टाइप वाटमीटर यूज नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, वाटमीटर में केवल ईडी वाटमीटर पढ़ाया गया है। सर ये ब्रेकिंग मैग्नेट इनका थोड़ा बताइए ना सर फंक्शन। अभी खत्म थोड़ी हुआ है एनर्जी मीटर। ओके सर, तो सर हम लोग जो घर में अभी जो यूज कर रहे हैं वो मतलब इलेक्ट्रोडायनामीटर इलेक्ट्रोडायनामीटर वो है क्या सर जो हम लोग? उसका फोटो मुझे भेजिए तब मैं बता पाऊंगा कौन सा मीटर है आपके घर में। अच्छा, बहुत सारा मीटर इस समय मार्केट में। अच्छा, ज्यादातर आप चिप बेस्ड आईसी बेस्ड चल रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके डाल देते हैं चिप और आईसी, उसमें प्रोग्रामिंग चेंज कर दीजिए, उसका मूवमेंट चेंज है। लाइक सर जो ये इंडक्शन तो सिर्फ एसी में काम करता है, तो हम लोग का तो एसी ही है तो इंडक्शन यूज नहीं करते क्या सर? एनर्जी मीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन ही है। अच्छा, अब इसको मॉडिफाई कर करके फिर आप इसको जो एनालॉग सिग्नल उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दीजिए तो डिजिटल एनर्जी मीटर आता है, फिर उसके बाद आप सर्किट को हटा के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर आ जाएगा। सर सबसे पुराना वाला जो था, जो पहिए वाला जिस पर आप मैग्नेट रख के उसको स्लो कर देते थे, वो यही वाला था। अच्छा, आफ्टर 2005 एंड 6 जो है इसको इसका रिप्लेसमेंट शुरू हुआ, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में जान चुके थे। जैसे आपको अपना मीटर रोकना है ना, इस वायर को या इस वायर को अंदर से जाके तोड़ दीजिए, मीटर रुक जाएगा। ठीक, आपकी रीडिंग 500 हो गई है, आपको 250 करना है तो इस वाले दोनों कनेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, मीटर उल्टा चलने लगेगा, 250 पर रुक दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं आप अगर जानते हैं तो। इसलिए मीटर में ऊपर एक हमेशा सील लगी होती है, उस सील को ब्रेक नहीं कर सकते। सील ब्रेक करके ओरिजिनल सर्किट तक अगर आप पहुंच गए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। और केवल एक ला इस इंस्ट्रूमेंट का भी जो डिटेल में जानता है ना, उसकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू थी इस समय। देख वापस आए सब्जेक्ट पे जी। सर सर जी, सर हमको ये इसमें थोड़ा डाउट है सर, ये टॉर्क में ना सर, वो पाइप PII इसको BL में कैसे मिस कैसे करके लिया था सर, रिलेट कैसे किया था, वो समझ में नहीं आया। मैंने अभी 10 मिनट पहले इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है, करीब 10-15 मिनट तक दिया था, अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। ठीक है, आप लेट में ज्वाइन किया क्या? जी सर, अभी ज्वाइन किया सर। प्रोपोर्शनल है इसलिए रिप्लेस किया है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, फिर से 10-15 मिनट लग जाएगा नहीं तो। ठीक है सर, वो रिकॉर्डिंग। ठीक, वापस आइए। इस तरह से आप इंडक्शन टाइप वाटमीटर बना सकते हैं, लेकिन मुझे एनर्जी मीटर बनाना है, और एनर्जी मीटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है. इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट नॉट बी प्रोपोर्शनल टू थीटा, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी. नाउ we need to produce energy meter. हमको energy meter बनाना है. Where? जब where काट दीजिए. Which is an इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट. एंड फॉर दिस द अपोजिंग टॉर्क मस्ट बी proportional to velocity. जो अब कंट्रोलिंग टॉर्क आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक अपोजिंग टॉर्क जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है. यहीं पे आता है आपका दूसरा सिस्टम. हमने जैसे डिवाइड किया था ना, चार पार्ट में ये काम करता है, ड्राइविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम. उसी में जो दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट होता है आपका, ब्रेकिंग सिस्टम. तो हम लोग कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं. देयरफॉर इन एनर्जी मीटर वी डू नॉट provide control torque. नहीं तो क्या provide करते हैं? We provide breaking torque. कौन provide करेगा breaking torque? Jumping magnet. एक्सिस से इसका डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस डी लिया है मैंने. ठीक, ये ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग मैग्नेट से प्रोवाइड किया जाता है. एक्चुअल में एडी करंट डैम्पिंग की जैसा है, अगेंस्ट द वेलोसिटी रहता है हमेशा. एक अच्छा सर, ये डिवाइस तो मतलब कंटिन्यूअसली रोटेट होना चाहिए, मतलब तो ब्रेकिंग का इसमें क्या पर्पस है सर? तीन मिनट 180 सेकंड्स वेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय परमानेंट मैग्नेट. बार बार रुक रहा है, थोड़ा सा रुकिए, बस ये ब्रेकिंग टॉर्क में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा. Provided by permanent magnet and is similar to eddy current damping. See, and this breaking torque is given by
tau t is equal to k, which is constant. Phi b square n d. ये ब्रेक सॉरी डैम्पिंग टॉर्क या ब्रेकिंग टॉर्क लिख लीजिए जिस टाउ बी के क्या है कांस्टेंट जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा सर सफिक्स भी है क्या सर जी बी जो पाई का सर वो क्या है क्या वो बेस वो क्या कुछ वैल्यू है क्या सर ना अलग है phi b sir it is flux of permanent magnet a b constant permanent magnet ka flux constant hota hai na speed of rotation and d is distance of magnet from axis of rotation main cheez hamare paas hai agar sab kuch constant rakhe to humko kya mil raha hai this braking torque is proportional to n जहां पे एन क्या है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क जी सर अगर डिस्क का स्पीड जीरो तो टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा सर स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो टॉर्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अब वापस आइए कंडीशन पे मैं पुराने वाले डायग्राम पे चलता हूँ ये जो आप पूछ रहे थे इसका मतलब क्या है एनर्जी मीटर काम कैसे करता है सपोज लोड को ओपन कर दिया मैंने ठीक लोड को ओपन कर दिया तो ये करंट जीरो जी दोनों टॉर्क जीरो डिस्क पे कोई ड्राइविंग टॉर्क है डिफेक्टिंग टॉर्क है नहीं नहीं है सर डिस्क का स्पीड जीरो ब्रेकिंग टॉर्क जीरो एनर्जी मीटर मूव नहीं करेगा लोड लगाया आपने ठीक जैसे ही लोड लगाया लोड की वजह लोड कंज्यूम कर रहा है सपोज करिए 1000 वाट 1 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है लोड प्रोपोर्शनल टू पी सपोज करिए 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जैसे ही लोड लगाया पावर कंजम्पशन स्टार्ट हुआ ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ टॉर्क या फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं कि वेलोसिटी प्रोवाइड करते एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ठीक इस टॉर्क से ये डिस्क एक्सेलरेट करेगा इसका स्पीड पहले जीरो था अब इसका स्पीड बढ़ेगा ठीक एट सर्टेन स्पीड आपको ब्रेकिंग टॉर्क भी 10 न्यूटन मीटर का मिलेगा किसी गिवन स्पीड पे आपको सपोज करिए 10 न्यूटन मीटर का ब्रेकिंग टॉर्क मिला सपोज करिए 100 RPM पे आपको 10 न्यूटन मीटर का ब्रेकिंग टॉर्क मिल गया ठीक ड्राइविंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल नेट टॉर्क जीरो जी नेट टॉर्क जीरो स्पीड विल बी कांस्टेंट पावर बढ़ा दीजिए अच्छा
200 वाट 2000 वाट तो अब ये 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ब्रेकिंग टॉर्क भी आपको 20 न्यूटन मीटर चाहिए अब सब कुछ प्रोपोर्शनल है ये 100 मिला था तो 200 आरपीएम मिल जाएगा जितना ज्यादा पावर आप कंज्यूम करेंगे डिस्क आपका उतनी तेजी से रोटेट करेगा ठीक अब रोटेशन करते जाइए जब लोड हटा देंगे रोटेशन खत्म हो जाएगा फिर आप लोड लगाएंगे जितना लोड लगाएंगे उसी स्पीड से मीटर घूमने लगेगा अब उस पे आप एक स्केल लगा दीजिए रिबन टाइप की जिस स्पीड से घूमेगा उस स्पीड से यूनिट्स बढ़ेंगी आपकी यही बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं एनर्जी मीटर सर ठीक है समझ गए ठीक है जी अब इसके बाद आता है मूविंग सिस्टम मूविंग सिस्टम में जैसे इस स्पीड को आपने एनर्जी मीटर बना दिया दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती ठीक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर जगह रहता है ना अगर आपको इसकी स्पीड एडजस्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं एनर्जी मीटर की स्पीड एडजस्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं अभी ये यहां से काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक अकेले एनर्जी मीटर से अगर ऑब्जेक्टिव बनाने जाए तो 200 से ऊपर क्वेश्चन बनता है यार ब्रेकिंग मैग्नेट से इसका स्पीड एडजस्ट किया जा सकता है ठीक प्लस इसका स्पीड एडजस्ट करने के लिए आपके पास शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप है यहाँ पे शेडिंग लूप दिखाया नहीं गया है वो भी लगता है दोनों का पर्पज एक ही रहता है अगर ब्रेकिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं स्पीड को डिक्रीज करना चाहते हैं आप एनर्जी मीटर की कोई अपना एनर्जी मीटर का स्पीड बढ़ाना तो चाहेगा नहीं जी आप चाहेंगे आपके घर में जो एनर्जी मीटर है वो जल्दी जल्दी घूमे नहीं नहीं स्लो करना चाहेंगे उसको आप अगर आप एनर्जी मीटर स्लो करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट को बाहर की तरफ पुल करेंगे कि अंदर की तरफ अंदर अरे ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ाएंगे ना प्रोपोर्शनल टू डी है रोटेशन पे देखिए ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये एक रॉड है मूव करा इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगाना आसान होगा या बाहर की तरफ जितना बाहर फोर्स लगेगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना इसको रोटेट कराना या स्टॉप करना ज्यादा आसान हो जाता है डिस्क के आउटर सेक्शन पे फोर्स लगाइए ब्रेकिंग फोर्स मैग्नेट को बाहर की तरफ खींचिए मैं प्रैक्टिकली ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड बोलनी नहीं मैं बोल लेता हूँ कंट्रोल नहीं हो रहा कोई भी एनर्जी मीटर रोकना हो ना उसके ऊपर मैग्नेट रख दीजिए स्लो तो हो ही जाता है डायरेक्ट एनर्जी मीटर के ऊपर मैग्नेट रख देना अभी इससे आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ रिकॉर्डिंग पे है हाँ तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट मुझे जो है सर थोड़ी ना हम लोग आपका वो वॉइस वाला ये सब हम लोग थोड़ी ना शेयर करेंगे आप नहीं शेयर करेंगे मैं खुद शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद अपना वीडियो ना सर वो तो सर एक ड्यूरेशन के बाद तो वीडियो तो जाना ही है अब देखिए आपको जो नंबर पाने के लिए चाहिए तो अगर ब्रेकिंग टॉर्क बढ़ाना है तो ब्रेकिंग मैग्नेट को बाहर की तरफ मूव किया जाता है इट शुड बी मूव्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक सर वैसे भी ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था सब लोग कि बिल कैसे कम आए बिल कैसे कम करें कम यूज करिए इलेक्ट्रिसिटी अरेस्ट हो जाएगी हाँ ठीक है बाकी आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं थोड़ा भी आप लोग एनर्जी मीटर का पूरा फंक्शन जान चुके हैं बैठ के सोचिए क्या कर सकते हैं
आपके वाले में डिजिटल मीटर्स लगे हैं ना आजकल, या वही पुराना वाला है अभी? अभी डिजिटल लग रहा है सर, ये सब सर प्रीपेड वाला ये सब तो डिजिटल होगा ना सर, प्रीपेड सिस्टम वाला, जो प्रीपेड सिस्टम वाला अभी जो मीटर लग रहा है ये सब तो डिजिटली डिजिटल होगा ना सर? डिजिटल में और प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत अगर आईसी के बारे में जानते हैं तो वहां पे आप तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये डिजिटल मीटर है सोच रहा हूं, क्लियर नहीं है ना दोबारा? इसको तो मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डाल के। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होगा एनालॉग या डिजिटल एनर्जी मीटर का, तो बेसिक वर्किंग उसका वही है सर। अगर मोबाइल से कंट्रोल किया तो कुछ डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि कोई इस समय डिपार्टमेंट में जेई है क्या ए? कोई जेई क्लास में है ये भी? यहाँ पे दो तीन जेई लोग भी हैं क्लास में आपके, और कंप्लेन कर सकते, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अपने सब्जेक्ट पे वापस आए कि आप यही इलेक्ट्रिकल का एग्जाम कैसे निकालेंगे ना, वो आप निकालेंगे क्वेश्चन के आंसर दे करके। जी सर। तो एनर्जी मीटर की बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नेक्स्ट इन थर्ड स्टेप वी हैव moving system. आप कह सकते हैं कि it constitutes of rotating iron disk and other arrangements to adjust the speed of rotation. इसमें जो parts हैं वो mainly आते हैं, it is braking magnet, shading ring and shading glue. Third is reduced gear. Yeah, reduced gear train. बहुत अधिक gears रहते हैं। जो पहला part है कि breaking magnet के through देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है breaking magnet से? Two, decrease the speed of rotation.
the breaking magnet can be moved away from axis of rotation se dur jayenge, axis of rotation se dur jayenge, to uska speed ghatega, jyada breaking torque produce hoga. Now, dusra part hai jo moving system ko control karta hai, it is shading ring and shading loop. वापस फंक्शन पे आते हैं. शेडिंग रिंग या शेडिंग लूप, ये क्लोज्ड कॉइल्स होते हैं. क्लोज्ड कॉइल समझते हैं ना, यस नो? सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्लोज्ड कॉइल समझते हैं, क्लोज्ड कॉइल क्या होता है? आपको आंसर ना करने का, आपने नहीं आंसर करे इसका मतलब आपको आता है. तो ये क्लोज्ड कॉइल है. फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, तो नेट फ्लक्स जो फाइव पी है उसका इफेक्ट घटेगा और नेट टॉर्क घटेगा. ठीक, नेट टॉर्क घटेगा तो मशीन का स्पीड डिक्रीज होगा. अगर आप मशीन का स्पीड घटाना चाहते हैं तो शेडिंग रूप, शेडिंग लिंग, इन दोनों को प्रेशर कॉइल के पास लेके जाइए, रोटेशन का स्पीड घट जाता है. फिर से एक्सप्लेन करना है इसको. जी सर, फिर से बोलिए. पहले बताइए, क्लोज्ड कॉइल जानते हैं आप? नो सर. क्लोज्ड कॉइल कुछ नहीं है. अगर कॉइल का पार्ट जैसे एक कॉइल है, कॉइल है ना, उसको उठा के क्लोज कर दिया हमने. स्टार्टिंग टर्मिनल एंड टर्मिनल बाहर से कहीं से घुमा के लेकर के जाके जोड़ दीजिए. ये बन गया क्या? क्लोज कॉइल. अभी ये कहाँ है? प्रेशर कॉइल के सामने. अब इसको कट करेगा क्या? 5P. 5P अल्टरनेटिंग है. EMF इंड्यूस होगा. अब क्योंकि कॉइल क्लोज है तो करंट भी फ्लो करेगा. अब क्योंकि करंट फ्लो करेगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी. बाय लेंज लॉ ये फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करेगा. तो डिस्क को कट करने वाला टोटल फ्लक्स घट जाता है, टॉर्क घट जाता है. क्लियर? जी सर. मूविंग सिस्टम में जो दूसरे पार्ट्स हैं, डिस्क, शेडिंग रिंग एंड शेडिंग लूप. शेडिंग रिंग एंड शेडिंग लूप. शेडिंग मतलब समझते हैं ना, प्रोटेक्ट करना. ये जो प्रेशर कॉइल का फ्लक्स है उससे डिस्क को प्रोटेक्ट करता है, शेड कर देता है. शेडिंग रिंग एंड शेडिंग लूप आर closed coils placed near, किसके पास रखे होते हैं? ये प्रेशर कॉइल के पास. शेडिंग रिंग, शेडिंग लूप क्या है? क्लोज्ड कॉइल्स है जो कि कहां रखे होते हैं? प्रेशर कॉइल के पास. ठीक, करते क्या है? व्हेन 5P passes through them, shedding ring or shedding loop, जब 5P pass करता है, it induces current and hence opposite flux is produced from them. उनसे अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. नेट फ्लक्स थ्रू डिस्क डिक्रीजेस
फ्लक्स से पास करने वाला डिस्क से पास करने वाला नेट फ्लक्स घट जाता है एंड द नेट ड्राइविंग टॉर्क डिक्रीजेस एंड हेंस लास्ट में मीटर स्लो डाउन मीटर स्लो हो जाएगा। तो मीटर को स्लो करना है तो आप जितने भी कॉइल्स हैं आपको प्रेशर कॉइल करंट कॉइल के अलावा जितने भी कॉइल दिखाई दे रहे हैं वो सब मूविंग टाइप के होंगे, उसको घुमा करके ले करके जितना प्रेशर कॉइल के पास ला सकते हैं लेते आइए, मीटर स्लो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। रिड्यूस गियर ट्रेन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा मुझे एक आगे का भी समझना होगा। हम लोग यहाँ पे जिस मीटर का बात कर रहे हैं वो पुराने वाले मीटर है। पुराने वाले मीटर कितने लोगों ने देखा है? आप लोगों ने देखा है पुराना वाला मीटर? सिलेबस में पुराना वाला ही है। हाँ, ब्लैक बॉक्स वाला। उसमें बकायदा आप मूव करता हुआ रिबन देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह बॉक्स रहते थे। ये वाला व्हाइट कलर का, बाकी सारी जो ये पट्टियां रहती हैं ये रेड रहती हैं। इस पे रीडिंग लेते हैं ना, जीरो 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 वन वन। अब फिर ये नाइन होगा, नाइन के बाद ऐसा जाएगा टू जीरो बढ़ते बढ़ते। इसी तरह से जैसे आपका बाइक का एनालॉग मीटर बढ़ता है वैसे वैसे सेम तरह से एनर्जी मीटर भी बढ़ते थे। अब सपोज करिए मेरे पास एक मूविंग सिस्टम है। आप ये जानते हैं फ्रिक्शनल एरर को कम करने के लिए टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई होना चाहिए कि कम? हाई होना चाहिए। यहाँ पे भी फ्रिक्शनल एरर होगा क्योंकि मूविंग पार्ट है। आप टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई रखेंगे, अगर टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई है तो वेलोसिटी किसी कीमत पे कम नहीं हो सकती, वो हमेशा ज्यादा होगी। आप क्या चाहते हैं, मीटर तेज घूमे या धीमे घूमे? धीमे से। धीमे। आपका पावर डिपार्टमेंट क्या चाहता है, मीटर तेज चलना चाहिए कि धीमे? तेज। नहीं, वो भी यही चाहता है कि मीटर धीरे चले। क्यों? और कस्टमर अट्रैक्ट करने के। हाँ, क्या बोला आपने? कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं नहीं, कस्टमर से मतलब नहीं है इसका। अगर मीटर तेज चलता है तो एक समय वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, स्केल खत्म। अब आप रीडिंग कैसे लेंगे? या आप क्या किया जाए? नया डालना पड़ेगा, चेंज करना। चेंज करना पड़ेगा। क्या आप जेई या एई बनने के बाद अपना काम करना पसंद करेंगे कि हर घर का मीटर चेंज करना पसंद करेंगे आप बार बार? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हर कुछ दिन के बाद आप जाके मीटर चेंज कर रहे हैं। हर पावर डिपार्टमेंट या कोई भी यही चाहता है कि एक बार आपने डिवाइस इंस्टॉल कर दी, वेदर इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस, ठीक, आपने लगा दिया, अब वो अपना काम करता रहे।
ठीक, वो अपना काम करता रहेगा, आपका काम होता रहेगा, क्लियर। तो ये रीजन है कि डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता है कि आपका मीटअप तेज घूमे। उसके लिए क्या करते हैं, जो आपका मूविंग सिस्टम था, ये सीधा मूविंग सिस्टम इन रिबन से कनेक्ट नहीं होता है। जो स्केल उठाने वाले रिबन्स हैं, स्केल्स हैं, प्लास्टिक की, मेटल की या कपड़े के स्केल पहले यूज करते थे, ज्यादातर मेटल की स्केल यूज होती है, अब तो वो भी बंद हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट आने के बाद से। इस मूविंग पार्ट से सीधे सीधे आपका रिकॉर्डिंग रजिस्टरिंग सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है। इस स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो डाउन किया जाता है गियर्स यूज करके, बहुत सारे गियर यूज होते हैं। स्लो करते 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 जब बहुत स्लो हो जाती है, तब आपको उसको रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग जो स्पेस है वहां पे कनेक्ट किया जाता है रिबन से। एक्चुअल एनर्जी मीटर जिस स्पीड से घूमता है, उसी स्पीड से अगर रीडिंग्स उठने लगे तो कुछ दिन में रीडिंग खत्म हो जाएगी मीटर की। पुराना वाला ब्लैक बॉक्स वाला अगर मीटर किसी ने देखा हो तो वहां पे आप जाके खुद महसूस भी कर सकते हैं, मीटर अंदर से साउंड आ रहा है घूमने का, रोटेशन फास्ट हो रहा है, लेकिन स्केल बहुत धीरे 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 उठती है। जीरो है, 15 मिनट खड़े रहिए, 0 15 मिनट बाद 0 1 होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि टू रिड्यूस फ्रिक्शनल एरर, टॉर्क बाय वेट रेशियो इज कैप्ट हाई रखते हैं। ठीक, अब इससे होता क्या है, दिस गिव्स फास्ट रोटेशन ऑफ डिस्क। Which will saturate the reading scale of energy meter soon। जल्दी ही energy meter की जो scale reading है उसको saturate कर देगा। ठीक, to रिड्यूस दिस इफेक्ट। अच्छा, इस इफेक्ट के रिड्यूस होने का मतलब क्या यह है कि एनर्जी मीटर का लाइफ बढ़ जाना? यस सर, यही मतलब हुआ ना। जी, दो दिन में खत्म होने वाला था, वो 20 दिन चलेगा। ठीक, इससे होता क्या, इससे क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है और ये आपके उसमें भी पूछा हुआ है, वाइवा में भी पूछते हैं अक्सर ये सब इस तरह की चीजें, एनर्जी मीटर का लाइफ कैसे बढ़ाएंगे आप। टू रिड्यूस दिस इफेक्ट और टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एनर्जी मीटर, इंक्रीज द लाइफ ऑफ एनर्जी मीटर रिड्यूस्ड gear trains are used। ठीक, अब इसमें हम लोग ना थोड़ा सा पहले एरर्स देख लेते हैं, एरर क्या हो, कौन कौन से एरर आते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग रजिस्टरिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम पे जाएंगे।
बेसिकली एनर्जी मीटर में दो तरह का एरर मिलता है। एरर्स इन एनर्जी मीटर, तो वो फ्रिक्शनल एक्शन एरर सब कुछ रहता ही है, जो अनकॉमन है बाकी जगह में जो नहीं मिलता है केवल एनर्जी मीटर में मिलता है। बाकी जितने एरर आपको पीएमएमसी में मिले थे ना सारे एरर यहाँ पे मिलेंगे। फ्रिक्शनल एरर मिलेगा, टेम्परेचर एरर मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एरर हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो बाकी जगह पे नहीं मिलते, तो हम केवल दो को डिटेल में देखेंगे। सर ये मतलब नहीं समझा, पार्ट्स रोटेशन होगा तो सैचुरेट करेगा स्केल को, ये क्यों होता है? आप बाइक चलाते हैं? बाइक? जी सर। बाइक चलाया होगा, बाइक या स्कूटी आपने? जी सर। प्लीज रिप्लाई। उसका वो मीटर देखा है? स्पीड वाला सर। एनालॉग मीटर? स्पीडोमीटर नहीं, एनालॉग मीटर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जी सर। एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक, पहले नया नया बाइक आप लेकर के आएंगे तो जीरो 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 ऐसा है सपोज करिए। ठीक जी। ये वाली स्केल क्या दिखाती है? यूनिट, यूनिट जो सबसे कम वैल्यू है। 100 मीटर? 100 मीटर। दिस इज फॉर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। 100 मीटर चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 200 मीटर चलेंगे तो 2, 900 मीटर पे 9, 1 किलोमीटर पे ये 0, ये 1 हो जाता है। जी जी होता है। बाइक चलाते जाइए बढ़ता गया स्पीड, स्पीड डिस्टेंस बढ़ता गया, ऐड होता गया। एक समय ऐसा आया कि बाइक इतनी चल चुकी है, अब क्या होगा? अब इसके बाद जो चलेगी वो कैसे रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्केल रीडिंग स्केल जो है वो सैचुरेट हो चुका है। अब या तो इस बॉक्स को खोल करके रिपेयर करिए, वापस सब कुछ जीरो करिए, या फिर बॉक्स ही चेंज कर दीजिए। अच्छा, तो सर ऊपर हमने देखा एनर्जी मीटर को ओपन करना अलाउड नहीं है, सील नहीं तो ब्रेक कर सकते आप, मतलब आपको एनर्जी मीटर चेंज ही करना पड़ेगा। आप ऐसा एनर्जी मीटर लगाना चाहेंगे जो हर 2 महीने में से भर जाता हो? नहीं नहीं सर। तो यू हैव टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एनर्जी मीटर, यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड, रीडिंग्स के इंक्रीज होने का स्पीड आपको स्लो करना पड़ेगा। सर उसलिए वो गियर रिड्यूस, गियर चेंज यूज किया ना सर। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ अब आते हैं आपस एरर पे। देखिए बाकी जो एरर वहां पे मिलते थे मूविंग आयरन या ईडी इंस्ट्रूमेंट में जितने भी एरर थे वो सारे एरर यहाँ पे भी हैं। उनके अतिरिक्त 2 एक्स्ट्रा एरर भी हैं जो वहां पे नहीं थे, यहाँ पे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऑल टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रिक्शनल एरर्स आर प्रेजेंट इन एनर्जी मीटर एज इन ऑल अदर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
as in order. In addition, अरे यार एक मिनट रुकिएगा. In addition to them, two more significant errors are also there. मैं पहला है error in स्किल एंड दूसरा है क्रीपिंग एरर. इंटरव्यू वालों के लिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इस क्रीपिंग, व्हाट इज क्रीपिंग? सीधा वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी मीटर में ही होता है और कहीं होता नहीं है. क्रीपिंग क्या होता है एक एक करके देखते हैं. पहला है एरर इन स्केल. तो ये हमको बेसिक इक्वेशन से ही मिलता है. हमारा एक्चुअल में बेसिक इक्वेशन ही सही नहीं है. एक्चुअल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या जो ड्राइविंग टॉर्क है actual deflecting or driving torque tau d was proportional to vi sin delta minus phi. And sir thoda sa approximate David. हाँ सर थोड़ा सा ऊपर यहाँ से देखना है. चेक कर लीजिए पहले. सॉरी इसको टाउ डी टेस्ट कर लीजिए. ठीक है सर. अप्रोक्सीमेट ड्राइविंग टॉर्क विल बी जो हमने लिया है proportional to VI sin 90 minus phi it is equal to VI cos phi. This is used in derivation. कैलकुलेशन में आप इसको ही यूज करते हैं. नाउ डेल्टा इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर एरर इज प्रेजेंट इन स्केल. जो आपने इक्वेशन लिया है ऐसा होता ही नहीं है एक्चुअल में, इसलिए स्केल में हमेशा एरर होगा. जहां पे आप सपोज आप 10 वाट पे 5 आरपीएम के स्पीड ले रहे हैं तो 10 वाट पे 5 नहीं कुछ और स्पीड होनी चाहिए. ठीक स्लाइटली जो थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी. अगर 90 से कम होगी तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी लेस. जो
जो मेजर्ड ड्राइविंग टॉर्क है एक्चुअल ड्राइविंग टॉर्क उससे कम होता है, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं यार? Hence, actual driving torque is less than calculated driving torque. अब इससे जो error मिलेगा, the error produced by it has to be adjusted on a scale and with moving system. The speed को adjust करके इसको आप काउंटर करेंगे. ठीक, और ये परसेंट एरर भी आप निकाल सकते हैं. इट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, या फिर आप वी आई कैंसिल हो जाएगा, आपसे डायरेक्ट लिखते हैं साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस cos phi upon cos phi into 100. इस एरर को आपको स्केल में और मूविंग सिस्टम में एडजस्ट करना पड़ता है. Next error is creeping. And as you said, it is very important for objective exam and as well as for interviews. Creeping क्या होता है? अगर instrument आपसे पूछा जाता है, 90% chances wattmeter से question पूछने का, या energy meter से question पूछने का, या basic property of PMMC and ED instrument. बताएगा क्रीपिंग क्या होता है? व्हाट इज क्रीपिंग? आप लोग इतना चुप कैसे हो? लाइट करना धीरे धीरे सर, कंटिन्यूअस रोटेशन करना जब लोड नहीं लगता है तो. हाँ, इट इज एन एरर इन एनर्जी मीटर व्हिच कैन बी सीन इन लाइटली लोडेड और नो लोड कंडीशन. At no load condition, speed of rotation of energy meter. एक मिनट. The speed of rotation must be zero, but sometimes there is a speed, there is rotation in energy meter even if the load is not connected, or in light load condition. The speed is high. This error is called creeping error. क्या भी होता क्यों है? अब मैं देखते हैं. पहले definition लिख लेते हैं इसका कि क्या है. Sometimes in energy meter, disc rotates even without this rotate karta hai even without connecting load. This rotates even without connecting load or rotates faster at
लाइट लोड कंडीशन, कम लोड पे रोटेशन फास्ट जाता है, ठीक। सच सच फिनोमेना इज कॉल्ड क्रीपिंग ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक। अब ये होता क्यों है? क्यों होता है? को बताएगा? सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होने से भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लाई वोल्टेज ज्यादा, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। ये आप टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, प्रेशर कॉइल टॉर्क। इसमें से ठीक है, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर कॉइल टॉर्क इज द करेक्ट आंसर, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? वाइब्रेशन सर, वाइब्रेशन का क्रीपिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इनर्शिया का भी क्रीपिंग से कोई रिलेशन नहीं है। शेडिंग कॉइल रिटेंशन, टीसी मिसिंग। व्हाट इज टीसी? माइक कंट्रोल टॉर्क। आप लोग इतना हाई साउंडिंग वर्ड यूज करते हैं, मैं कभी नर्वस हो जाता हूँ। शेडिंग कॉइल रिटेंशन, लाइट पॉइंटर मटेरियल। चलिए अब आते हैं एक्चुअल एनालिसिस पे, क्या होता है। टाउ वन इज प्रोपोर्शनल टू वी आई समथिंग, टाउ टू इज प्रोपोर्शनल टू वी आई समथिंग। सपोज लोड इज डिस्कनेक्टेड एंड करंट इज जीरो, करंट की वैल्यू जीरो देख सकते हैं, नो लोड कंडीशन। यहां भी करंट का वैल्यू जीरो, तो ना टाउ वन प्रोड्यूस होगा ना टाउ टू प्रोड्यूस होगा। अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी टॉर्क प्रेजेंट नहीं हो सकता। फाई सी से इंटरेक्शन करना, फाई सी है नहीं, ठीक। फाई पी से आई आई को इंटरेक्शन करना, आई आई है नहीं। लोड अगर डिस्कनेक्टेड है, नो लोड कंडीशन में, ये दोनों टॉर्क जीरो होंगे। क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से? जी सर। उसके बाद भी ये जो सिस्टम है वो मूव करता है, उसी को आप क्रीपिंग कह रहे हैं, राइट? इसका मतलब कोई तीसरा टॉर्क भी सिस्टम में है। अब वो तीसरा टॉर्क क्या है? तुक्के मारना बंद करिए, रुकिए। यहां से प्रोड्यूस हुआ क्या? एक मिनट मैं बता दूं, फिर आप बोलिएगा। प्रेशर कॉइल से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ क्या? फाइव पी। इसको कट किया, यहाँ पे इंडक्शन हुआ कि इसका जो भी है प्रेशर कॉइल, बात की बात। हाँ ठीक है, इससे ये ईवी और एडी करंट आईवी, ये फाइव पी से प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये प्रेशर कॉइल इस शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप को भी कट कर रहा है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा। जी सर। जी सर। करंट है तो प्रेशर कॉइल से, ये सॉरी शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप से भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। आईवी और फाई डैश इंटरेक्ट करेंगे। प्रेशर कॉइल के द्वारा रोटेटिंग डिस्क में जो करंट इंड्यूस हुआ है
शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप के फ्लक्स से इंटरैक्ट करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है और डिस्क रोटेट करती है। ठीक, अभी देखिए वापस कहानी पे जाइए। मूविंग सिस्टम हमने शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप का क्या रोल देखा था? स्पीड कंट्रोल करता है ना। स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं आप शेडिंग रिंग से शेडिंग लूप से? स्प्रिंग अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? भूल गए, करते क्या थे? अगर स्पीड घटानी है तो शेडिंग रूप शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप को प्रेशर कॉइल के पास ले जाते हैं आप, यही किया था आपने। लेकिन अगर बहुत पास चले जाएंगे तो ये होने लगेगा क्रीपिंग, उल्टा स्पीड बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं समझा पा रहा हूँ सर, फिर से समझाइए सर। स्पीड कैसे बढ़ रहे वो सर? आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि आप लोग बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आपने पूछा, फिर से समझाइए। थैंक यू, मैं फिर से समझाता हूँ। नहीं सर, क्वेश्चन पूछने से फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या बोल के हम लोग कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछते सर, मतलब क्लासेस और ज्यादा देर हो जाएगा तो मतलब बाकी दुख और प्रॉब्लम भी हो सकता है बोल के। आप ये बताइए ना, आपको बाकी लोगों से क्या मतलब? आपने दूसरे का फीस जमा किया है क्या? मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं है, फिर भी सर साथ में उन लोग को भी देख के चलना पड़ता है ना, जैसे अपना नहीं तो आप फिर कंपटीशन मत नहीं निकाल सकते, छोड़ दीजिए कंपटीशन को, ये कंपटीशन ही कहाँ बचा फिर। सबको साथ में लेके चलना है तो आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्लियर होना जरूरी है। अभी उसके लिए आपको जितनी बार इंटरप्ट करना पड़े आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भी आप लोग को बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, दो चार लोग इंटरव्यू टाइप का भी हम जो ऐसा इंटरेक्शन किया है। मैं समझता हूँ आप लोगों को, मैं जानता हूँ कितने लोगों के समझ में आया है, कितने लोगों के समझ में नहीं आया है। फिर भी मेरे बार बार बोलने पे भी जब क्वेश्चन नहीं पूछा रहता तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लोग क्लास में है कि नहीं है, मुझे पता रहता कि कब समझ में आया कब नहीं आया। जितना आप देखे एनर्जी मीटर हमने भी पढ़ा है जब कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए, हमें खुद नहीं समझ में आया था क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार में किसी को समझ में आ जाएगा तो ये भी जेन्युइन बात नहीं है, एक बार में नहीं आता है। और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, अपने ही स्टेटमेंट को बार बार हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप शुरू से इस क्लास में मेरा स्टेटमेंट सुनते हुए आ रहे हैं तो मूविंग सिस्टम स्पीड एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है, उसमें हमारे एक कंपोनेंट है शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप। हमने कहा था इनका रोल क्या है, रोल प्ले क्या है, ये स्पीड को एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो अगर आपको स्पीड घटानी है तो आप शेडिंग रिंग शेडिंग लूप को ऊपर लेके जाइए, प्रेशर कॉइल के पास लेके जाइए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एनर्जी मीटर है तो जितने भी मूव कर सकने वाले कॉइल आपको दिखाई दे रहे हैं सबको प्रेशर कॉइल के पास इकट्ठा कर दीजिए, मीटर की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है क्योंकि अब उसका कॉइल का फ्लक्स प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को अपोज करेगा, नेट फ्लक्स डाउन हो जाएगा और आई से जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिकली स्पीड कम होती है। ठीक, अच्छा आप लोग कहानी सुनेंगे? एक कहानी सुनाऊ मैं? दो तीन मिनट आपका वेस्ट होगा, हो जाएगा सर, सुनिएगा। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कॉपी चेक करने को मिलती है। यूपी और बिहार और एमपी राजस्थान इधर के जगह पे आप जाएंगे ना, खास तौर से डिप्लोमा के स्टूडेंट, ये डिप्लोमा के स्टूडेंट इन लोग को हिंदी में लिखने का भी ऑप्शन रहता है। ठीक, इनकी कॉपी आप कभी कभी देखेंगे ना तो सब तो सिंसियर नहीं होता, इनकी कॉपी आप देखेंगे तो हंसते हंसते जो है मतलब
कॉमेडी के सारे शो उसमें जो है उतना आपको नहीं हंसा पाएंगे, इतना इनकी कॉपी आपको हंसा देगी। एक क्वेश्चन था कि हिंदी ट्रांसलेशन इज बैटरी में पानी क्यों मिलाते और क्या रोल है उसका, कितना मिलाना चाहिए। तो स्टूडेंट ने लिखा था जी हाँ बैटरी में पानी मिलाते हैं, न ज्यादा मिलाते हैं न कम मिलाते हैं, सोच समझ कर मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उसके बाद एक रहीमन का दोहा लिखा था उसने जो है, इसलिए मिलाते हैं कि क्या वो सुना है आपने कौन सा दोहा है रहीमन देखी बरेन को। हाँ हाँ रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नवरे मोती मानस। वो पानी के बारे में कविता पुराने कवि किसी ने कही तो कविता उठा के लिख दी बच्चों ने यहाँ पे। ऐसा एक वो था कि मशीन में नॉकिंग क्यों होती है और मशीन में नॉकिंग को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं। तो स्टूडेंट एक लिखा था कि दुनिया में बहुत तरह की नॉक होती है, पेन की नॉक, पेंसिल की नॉक, बच्चे इस नॉक से अपना सुंदर भविष्य लिखते हैं। अब जो चीज इतनी अच्छी है उसे क्यों आप हटाना चाहते हैं, उसे रहने दीजिए, इस तरह कैसे लिखते हैं। उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे है, आपसे कोई बोले कि ये शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप को प्रेशर कॉइल के पास ले जाते हैं स्पीड घटाने के लिए कि दूर ले जाते हैं, तो शेडिंग रिंग के पास ले जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत पास नहीं जा सकते आप। अगर आप बहुत पास जाएंगे तो क्या होगा कि प्रेशर कॉइल के फ्लक्स से जो एडी वोल्टेज ईवी प्रोड्यूस होता है या आईवी प्रोड्यूस होता है उससे इसका फ्लक्स इंटरैक्ट करने लगेगा और डिस्क पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक, आप इसको प्रेशर कॉइल के पास ले जा सकते हैं स्पीड घटाने के लिए लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू में, बहुत पास जाएंगे तो क्रीपिंग की वजह से स्पीड बढ़ जाती है। अब डिफरेंस समझ गए आप? नहीं सर, कितना तक ले जाना उसको कैसे मालूम करेगा? तो वो जब एनर्जी मीटर बनाएंगे तब समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। सर ये दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज नहीं करेगा क्या? करेगा तभी तो टॉर्क जनरेट होगा। तो जब सफिशिएंट डिस्टेंस में था तो भी तो अपोज ही तो कर रहा था, तो भी तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ तो उस समय स्पीड घट रहा था और जैसे ही पास आया तो स्पीड बढ़ने लग गया। अरे बेटा इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, इस फाइ डैश आईवी से इंटरेक्ट कर रहा है। ओके प्रेशर कॉइल के एडी करंट्स या प्रेशर कॉइल से प्रोड्यूस हुई रोटेटिंग डिस्क की एडी करंट्स। इससे क्या होगा, लो लोड कंडीशन पे स्पीड बढ़ जाएगी या फिर जीरो लोड कंडीशन पे रोटेशन स्लाइट मिलेगा आपको, मीटर घूमता रहेगा। आप बिजली यूज नहीं कर रहे फिर भी आपको मीटर घूम रहा है, इट इज कॉल्ड क्रीपिंग एरर। इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी एक दो बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, such phenomena is called creeping of energy meter. अब creeping देखने को क्यों मिलता है? creeping is
प्रोड्यूस्ड, फिर गड़बड़ हो गया, creeping is produced in energy meter when flux of shading ring and shading loop interacts with eddy currents produced by 5P in rotating disk. हाँ, अब ये एरर कहाँ ज्यादा मिलता है? कंटेंट ज्यादा हो गया, now this error is more when shading ring and loop are close to pressure coil. ये शेडिंग रूप, शेडिंग को जितना आप प्रेशर कॉइल के क्लोज रखेंगे एरर उतना अधिक मिलेगा. ठीक, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है, देखिए क्रीपिंग से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत स्मॉल होता है. उस टॉर्क से मूविंग सिस्टम मूव कर पाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल टॉर्क नहीं है. अगर होता तो मूव नहीं कर पाता. Q
किसी तरह से कोई और टॉर्क उसके अपोजिट अगर मोशन में आ जाए तो क्रीपिंग से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये एरर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। एक ही मेथड है इसका, रिमूव क्रीपिंग नॉन यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम डिस्क आर यूज्ड। तो या तो आप एल्युमिनियम डिस्क है, इस प्रकार के एल्युमिनियम डिस्क पे उस पे आप कहीं आयरन से प्रिंट कर दीजिए डॉट्स अलग अलग जगह पे, ये डॉट्स जब सामने आएंगे मैग्नेट के ऑटोमेटिकली वहीं पे ये मैग्नेट ये जो डिस्क है वो रुक जाएगी। इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा जो आपको प्रेशर कॉइल से ही मिल पाएगा। ठीक, क्रीपिंग वाला टॉर्क इसको आगे मूव नहीं करा पाता है, या फिर ये आपका स्पिंडल हो गया, डिस्क आप सर्कुलर यूज ना करके इस तरह का यूज कर लें, खाली जब जब मैग्नेट के सामने आएगा तो उसका आगे मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क को यूज करके आप क्रीपिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, एंड द एरर इज गिवन बाय सर एल्युमिनियम यूज करके, मतलब तो क्या एल्युमिनियम करके कुछ प्रॉपर्टी है क्या? अगर आप एल्युमिनियम डिस्क यूज करेंगे तभी उस पर आयरन की प्रिंटिंग कर पाएंगे ना, एल्युमिनियम प्रॉपर्टी होती है वो हल्का होता है। percent creeping error is number of revolution of disk due to creeping per hour, upon number of revolution of disk due to load per hour in 200। इसका क्वेश्चन अगर आता भी है तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे आएगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का कोई चांस ही नहीं है। एक ही तरीका है, इन दोनों की वैल्यू आपको दे दे और इसकी वैल्यू पूछ ले, तीन में से किसी दो का वैल्यू देकर के एक का वैल्यू पूछा सकता है। बहुत सिंपल हो गया, इसलिए जनरली क्रीपिंग से केवल उसकी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल कोई नहीं पूछता है आपसे। जी, ये क्रीपिंग को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये तब होकर होता है जब ये शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप इसका इफेक्ट कम हो जाए, मतलब इनएफेक्टिव हो, तब ये होकर होता है ना सर? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, क्या क्वेश्चन है आपका? ये शेडिंग रिंग और शेडिंग लूप का जो इफेक्ट मतलब इनएफेक्टिव हो जाए वो लोग, तब ये क्रीपिंग ओकर होगा, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, उसी से तो ये मिल रहा है क्रीपिंग। वो ज्यादा सामने ले जाने से सर वो तो कम होते जाएगा ना, कहे उसका इफेक्ट रिवर्स हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, स्लो डाउन करने के लिए था लेकिन स्पीड इंक्रीज जा रही है, और ये स्पीड इंक्रीज भी होता केवल नो लोड या लाइट लोड कंडीशन में। नाउ फोर्थ सेगमेंट है आपका क्रीपिंग डिक्रीज करने के लिए रिलक्टेंस इंक्रीज करना होता है, किसका रिलक्टेंस बढ़ाना चाहते हैं आप? एल्युमिनियम डिस्क।
एल्युमिनियम रिंग, रिंग रिंग का रिलेक्टेंस कैसे बढ़ाएंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म या फिर अब जो ये बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एल्युमिनियम डिस्क होना है या आयरन प्रिंटिंग होना है, मतलब ऑल इन ऑल मतलब बेसिक जो क्या हो रहा है, मतलब इससे क्रिपिंग कैसे कम हो रहा है, मतलब क्या रिलक्टेंस बढ़ने की वजह से? आपको क्रिपिंग में प्रॉब्लम क्या है? क्रिपिंग से प्रॉब्लम है आपको? सर वो रिमूव कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा आपका जो लिखा है वो। पहले तो हमें क्रिपिंग से प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ रहे सर। ठीक है सर, क्रिपिंग क्या क्या प्रॉब्लम है बेसिक से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बिना लोड का रोटेट कर रहे सर, तो बिना लोड का रीडिंग रोटेट कर रहा, बिना लोड का रीडिंग बढ़ रहा है, बिना लोड के रोटेट कर रहा है, ये प्रॉब्लम है मेरी। जी सर, जो है बिना लोड के रोटेट कर रहा है। जब बिना लोड के रोटेट करेगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? कम होगा सर। उस पे जो टॉर्क लगेगा रेसिडुअल टॉर्क इसके फ्लक्स से, वो ज्यादा होगी कम होगा? कम होगा सर। अगर आप डिस्क पे आयरन की प्रिंटिंग कर देते, 3D है मैं समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आयरन के प्रिंट कर देते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, क्या ये लॉक हो जाएगा? लॉक हो सर। लॉक हो गया मतलब डिस्क रुक गई। ये जो आयरन का प्रिंटेड डॉट है आयरन का, जैसे ही मैग्नेट के सामने आएगा अट्रैक्शन से, ये लॉक होगा और डिस्क रुक जाएगी। आयरन प्रिंटिंग कुछ नहीं, आयरन की पतली से लेयर प्रिंट कर दीजिए वहां पे। तो सर ठीक है, वो तो रुक लेगा, लेकिन जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं देगा सर, जैसे आप मतलब एट द टाइम ऑफ लोडेड कंडीशन। उस समय स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, आप जब भी कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्केल को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक, आपका जो मेन प्रॉब्लम है कि नो लोड में रीडिंग का उठना, वो बंद हो जाएगा। ओके सर, और ये इरेगुलर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क वाला आयरन प्रिंटिंग तो क्लियर हो गया सर, वो मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया, और ये नॉन यूनिफॉर्म रिंग का कंसेप्ट। एक मिनट, ये एडी करंट्स कहाँ इंड्यूस होती हैं? मेटल पार्ट डिस्क में। मेटल ही हमने गायब कर दिया है, या एडी करंट्स इंड्यूस होंगी एयर में? नहीं, जब एडी करंट ही नहीं तो टॉर्क कहां से मिलेगा? क्रीपिंग में मिलने वाला टॉर्क और घट जाता है, डिस्क मूव नहीं करेगी, ऊपर से ब्रेकिंग मैग्नेट है आपके पास। अभी कोई दिक्कत? जी नहीं सर। ना इसके बाद एक चीज और लिख लीजिए, ब्रेकिंग में मुझे याद आ गया है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो है नॉर्मल आयरन का नहीं बनता है, ऐसा मटेरियल चाहिए जिस पे टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट ना पड़ता। ब्रेकिंग मैग्नेट इस
especially made by mu temp बोलते हैं, स्पेलिंग यही है MUTEMP. ये एक मटेरियल है, गरम वरम करके इसको बनाते हैं, हार्ड मटेरियल है. एंड दिस इज लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर पर अफेक्टेड नहीं होती है. नहीं तो कोई भी परमानेंट मैग्नेट टेम्परेचर बढ़ने से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है. सर्दियों में अच्छा बिहेव करेगा, गर्मियों में खराब बिहेव करने लगेगा, रोकेगा ही नहीं जिसको. सर के लगा MUMU है क्या सर? MUTEMP MUTEMP MU सर क्या कुछ है? किसी मटेरियल का सिंबल नहीं है. इस मटेरियल का नाम है जो बहुत सारे एलिमेंट्स अलॉयस को मिक्स करके बनाया जाता है. ठीक, अब उसका जो कंपोजिशन है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है हमको. म्यूटेम्प मटेरियल का यूज नाम बता दीजिए ना सर. MU नाम वही है जो लिखा हुआ है, MUTEMP म्यूटेम्प मटेरियल. हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है इट इज रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम. रजिस्टरिंग या रिकॉर्डिंग सिस्टम. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि एवरी एनर्जी मीटर हैज इट्स ओन फॉर रजिस्टरिंग ऑफ स्केल. स्केल बनाने दिखाने का हर एनर्जी मीटर का अपना अरेंजमेंट होता है. इट मे बी डिजिटल और इट मे बी एनालॉग. एनालॉग या डिजिटल दोनों हो सकता है. इट मे बी एनालॉग और डिजिटल सिस्टम. अगेन जो भी हो कॉमन एक चीज रहती है वो ये है कि ये मेजर करता है इलेक्ट्रिकल यूनिट. एंड वन इलेक्ट्रिकल यूनिट इज कितना होता है? one thousand kilowatt hour. Every energy meter measure energy in electrical unit and one electrical unit is equal to 1 kilowatt hour. अब इस पे बहुत क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं. किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, एक जूल में कितना किलोवाट आवर होता है, अपने आप देखते रहिएगा, देख लीजिएगा. लेकिन ठीक, नेक्स्ट. लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मीटर का रोटेशन का स्पीड है उससे एक चीज आपके डिफाइन होते हैं एनर्जी मीटर के बारे में. इट इज एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट. Depending on the speed of rotation, energy meter constant
इज डिफाइंड, डिफाइन करते हैं उसको. एंड इस एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट इज k इज इक्वल टू n अपॉन p इनटू t. ये क्या हो गया? एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट कहीं कहीं पे e से भी दिखाते हैं इसको. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ डिस्क एंड दिस इज पावर इज इन किलोवाट, टाइम इन आवर. इसको इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, एनर्जी रिकॉर्डेड कितना यूनिट हुआ, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपॉन एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको. दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी मीटर. अगेन कोई टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है. अभी इसको एक हफ्ते तक और बढ़ाया जा सकता है अगर हम इसे मॉडिफिकेशन करते रहें तो. आपके एग्जाम के लिए यहीं तक. कुछ पूछना है किसी को? सर हम लोग ये स्केल और इसका तो एरर को करेक्ट कर लिया, लेकिन सर वो फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर एरर वो लोग करेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? जो मेजर्स वहां पे थे वही सेम यहाँ पे भी है सर, वही जो मेटेरियल ऐसे यूज करने ऐसे करने वही है बस, सब सब यहाँ पे वही सेम. सर एक क्वेश्चन पूछेगा क्या जी? सर एक क्वेश्चन पूछेगा क्या? पूछिए सर. वो सीरीज और सन मैग्नेट का ये सर अरेंजमेंट ऐसे क्यों है सर? सीरीज और शंट मैग्नेट का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है मतलब? सर वो बनाने के लिए एनर्जी मीटर बनाने लगा था क्यों है सर? रिंग और लूप लगाने के लिए ऐसा आप मैग्नेट का ये पूछ रहे हैं क्या? ये डायग्राम ऐसा क्यों है? और सर इसमें मैग्नेट कंपोनेंट्स आप दिखा पा रहे हैं इसलिए. तो इसमें मैग्नेट लगाने से वो मतलब ये फ्लक्स वो होते क्या सर, एनहेंस होते क्या? कहाँ मैग्नेट लगाया आपने? जो मतलब शंट मैग्नेट जैसे लगाया है ना. शंट मैग्नेट कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो, कॉइल से ही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. सर और क्वेश्चन? आयरन लुकिंग वाला नहीं समझे हमको लगता है क्या? आयरन प्रिंटिंग और लुकिंग कैसे हो रहा है नहीं समझे सर. आप अभी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था तब आपने पूछा ही नहीं. वही आप बोल रहे थे वो लोग करता है कैसे समझ में नहीं आया. परमानेंट मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है क्या? करता है कि नहीं? करना करते हैं सर. तो वो आयरन को आगे जाने देगा? रोकेगा ना उसको?
अच्छा 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 जब सर वो टॉर्क नहीं होगा तो टॉर्क कम होगा तो सर उसको रोक देगा ना सर, ऐसे ऐसे ना सर? जी जी अच्छा अच्छा सर इसके न्यूमेरिकल पूछते क्या? सिंपल न्यूमेरिकल, बस सीधे फॉर्मूले पर रहता है ये जो सर, कोई ट्विस्ट टर्न पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पर सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। एडी इंस्ट्रूमेंट्स में बचा हुआ है अभी आपका पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, मैगर, फ्लक्स मीटर, उसके बाद अदर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक हॉट वायर, आपके हॉल इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, पीजोइलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये ट्रांसड्यूसर में आएंगे। इनका केवल और केवल इंट्रोडक्शन है। अब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं ट्रांसड्यूसर आपको पूरा पढ़ाने जाऊंगा। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, मेजरमेंट में कैसे यूज किया जाता है, बस इतना देखना है। हॉल इफेक्ट क्या होता है, मेजरमेंट में कैसे यूज करते हैं, बस। सीआरओ, सीआरओ डिटेल में है, लास्ट टॉपिक विल बी सीआरओ। ट्रांसड्यूसर में बहुत टॉपिक है, बहुत ज्यादा है ट्रांसड्यूसर। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, वैसे एक और ब्रांच होती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। जितना आप इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उतना वो लोग ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं केवल। तो आप वो एक आसानी बुक उठा लाएं और हमको बताएं कि ये ट्रांसड्यूसर होता है, तो फिर आप ट्रांसड्यूसर आपको फिर दोबारा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट से। तो केवल इंट्रोडक्शन देखना सर, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वाला ट्रांसड्यूसर का देखने से हो जाएगा होगा ना सर? केवल इंट्रोडक्शन, थोड़ा भी डेप्थ मत हमसे एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं डेप्थ में जाऊंगा कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम आपको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर समझाएं, साइंस थ्योरी समझाएं, वो सब हम नहीं समझाने वाले आपको। ठीक है सर। सर हो सकने से एक वो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, जो लेक्चरर में भी आया था डिजिटल वोल्टमीटर, वो थोड़ा डिटेल्स में करा दीजिए ना सर, बुक्स का कुछ समझ में नहीं आता है। डिजिटल वोल्टमीटर में करा दूंगा जी। ठीक इतना काफी है, बाकी बात बने।